आज डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। कंटिन्यूअस कास्टिंग जो प्रोसेस है वो कैसे होती है और कंटिन्यूअसली हम कास्टिंग प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि लगातार किसी प्रोसेस का होना, लगातार कि हमें क्या मिले, लगातार प्रोडक्ट मिलता रहे। कास्टिंग मीन्स किसी मोल्टन मेटल को अगर हम ठंडा करते हैं, सोलिडिफाई करते हैं, शेप देते हैं, तो उसको बोलते हैं कास्टिंग प्रोसेस। किसी मोल्टन मेटल को ठंडा करना रिक्वायर्ड शेप के अंदर, तो उसको हम कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस क्या है? लगातार हमें किसी मोल्टन मेटल को ठंडा करके एक शेप के अंदर जनरेट करना है, उस प्रोसेस को कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसके अंदर जो एक मेथड है वो क्या है? इसके अंदर हमारे पास होती है एक लैडल, लैडल जिसके अंदर मोल्टन मेटल होता है। यह है मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल जिसका हमें प्रोडक्ट बनाना है, जिसको रिक्वायर्ड शेप के अंदर देना है। तो ये एक रनर के थ्रू कनेक्ट है, ये रनर है, रनर आप इसको बोल सकते हैं या पैसेज आप इसको बोल सकते हैं, जहां से मोल्टन मेटल जो रन करेगा। और ये है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लेडल, इंटरमीडिएट लेडल है, इसको टर्निश भी बोल देते हैं। तो इंटरमीडिएट जो लेडल है इसके अंदर आएगा, यहाँ से जो मेटल है उसके बाद ये जाएगा इस पैसेज के थ्रू, ये भी पैसेज है जो कि मोल्टन मेटल को आगे मोल्ड में पहुँचाएगा। ये है मोल्ड, ये है मोल्ड जो कि हमें शेप बनानी है प्रोडक्ट की। तो ये मोल्ड है, ये सारा मोल्ड है, ये और ये इन दोनों के बीच की शेप है जो हमें जनरेट करनी है। तो जो ये मोल्टन मेटल है इस मोल्ड के अंदर आएगा, ये मोल्ड है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कूलिंग के लिए प्रोविज़न दिया गया है, कूलिंग पैसेज है यहाँ पे, जहाँ से वाटर जो है कोल्ड वाटर जाएगा, कोल्ड वाटर इन करेगा और वो सर्कुलेट करेगा और वो आउट होगा, मीन्स बाहर आएगा। इसी तरह से यहाँ से कोल्ड वाटर जाएगा और यहाँ से आउट बाहर आ जाएगा। तो मीन्स ये कूलिंग के लिए है। तो ये जो मोल्ड है इसको जो हमने ये मोल्टन मेटल दिया है इसके अंदर ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसको कूलिंग पैसेज दिए ताकि वाटर की हेल्प से ये ठंडा हो। तो ये ठंडा होगा, जितना ये मोल्ड होगा एंडिंग तक, ये अच्छी तरह से लगभग जितना हमें सोलिडिफाई चाहिए उतना ठंडा हो जाएगा और एक रिक्वायर्ड शेप ले लेगा। वो टूटेगी नहीं, मीन्स वो ख़राब नहीं होगी जब ये मोल्ड से बाहर आएगा। जब ये मोल्ड से बाहर आएगा, इसको और ठंडा करने के लिए यहाँ पे वाटर स्प्रे यूज़ की गई है, वाटर स्प्रे, वाटर की स्प्रे प्लस एयर भी यूज़ करेंगे। तो एयर प्लस जो वाटर है इसके कॉन्टैक्ट में आएगा मोल्ड से बाहर निकलते ही और वो और ठंडा हो जाएगा, मीन्स और सोलिडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे लगे हैं पिंच रोलर, इनको हम पिंच रोलर्स बोलते हैं। ये सारे रोलर्स हैं, जो पिंच रोलर्स हैं ये क्या करेंगे, इसको एक या तो हम इसको डायरेक्टली सीधा भी ले सकते हैं अगर हमारे पास स्पेस इनफ है, या फिर हम इसको बेंट फॉर्म में इन रोलर के थ्रू बेंट करके आगे ले जा सकते हैं। और आगे ले जाके रिक्वायर्ड अमाउंट में, जैसे मान लीजिए हमें कितने अमाउंट की डायमेंशन का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसको हम कट कर लेंगे तो वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये यहाँ पे डमी बार लगी है। डमी बार क्या होती है? डमी बार होती है इस जो हम स्टार्टिंग में ये प्रोसेस करते हैं, तो ये डमी बार हम यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, ताकि जो मोल्टन मेटल है ठंडा हो रहा है पहले इसके कॉन्टैक्ट में आए और फिर इसको हम आगे खींचते हैं, आगे ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरी एक तरह की साइकिल क्रिएट हो जाती है और एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाती है। तो बाद में हम इसको कटआउट कर लेते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है और रिक्वायर्ड अमाउंट के प्रोडक्ट हम काटते रहते हैं। तो इसको हम कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअसली हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होता रहता है और हम उसको रिक्वायर्ड डायमेंशन के अंदर काट कर अलग कर लेते हैं। तो ये थी कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।